नमस्कार, मैं हूं रेणु अग्रवाल। आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। डीजल का वाहन पेट्रोल से कैसे चल सकता है और कहां पर चल सकता है, सोचो जरा। नहीं समझ पाए, हुआ ना आश्चर्य कि ये कैसे संभव है और ऐसी कौन सी तकनीक है। अरे भाई, कोई तकनीक वकनीक नहीं है यह कारनामा धार की नगर पालिका ने कर दिखाया है। धार में आरटीआई कार्यकर्ता सुनील सावंत ने धार नगर पालिका परिसर में पत्रकारों के बीच नगर पालिका में हुई धांधली की खोली पोल। नगर पालिका के द्वारा जेटिंग मशीन, जो कि सेफ्टी टैंक साफ करती है, इस मशीन को बगड़ी ताज में सेफ्टी टैंक खाली करने के लिए भेजा गया था। उसकी रसीद चालान आरटीआई कार्यकर्ता सुनील सावंत के द्वारा मांगे गए, जो रसीद दी गई वह खाली थी और उस पर कुछ भी नहीं लिखा था। वही दूसरी रसीद भी रोकड़ व कैशबुक में जमा नहीं की गई। दो रसीद में ही 5,000-5,000 का गबन है। तो 1 अप्रैल 2018 से उन्होंने जानकारी मांगी, जो कि उन्हें अभी तक नहीं दी गई है। जब दो रसीद में ही 5,000-5,000 का घोटाला है, तो अप्रैल से अभी तक का कितना घोटाला होगा यह कोई नहीं बता सकता। यह जनता के पैसे का दुरुपयोग है। यह जेट मशीन पेट्रोल से चलना बताई गई है, जबकि यह डीजल से चलती है। और आपको बता दें कि 1 लीटर में 1 किलोमीटर वाहन चलना लॉग बुक में बताया गया है। और यदि यह पूरी जानकारी आरटीआई एक्टिविस्ट सुनील सावंत को मिल जाती है, तो यह घोटाला करोड़ों रुपए का हो सकता है। और यदि यह उजागर होता है, तो आप सोच भी नहीं सकते उतने का घोटाला होगा। वही रसीद कट्टे गुम हो चुके हैं। सावंत ने मांग की है कि एफआईआर दर्ज होना चाहिए और सीएमओ से उन्होंने अपनी मांग रखी। उन्होंने कहा कि नहीं तो मैं कोर्ट जाऊंगा। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। ये मीटर जो है जेटिंग मशीन जो होती है सेफ्टी टैंक साफ करते हैं उसका मीटर है। मेरे द्वारा सूचना अधिकार जानकारी मांगी गई थी कुछ रसीदों की। उसमें से धार से 35 में केसूर बगड़ी ताज गांव में वहाँ पे जेटिंग मशीन सेफ्टी टैंक खाली करने गई थी। और जब मैंने सूचना अधिकार जानकारी मांगी, तो विगत 1.5 माह तक जो पैसा 5,000 रुपया था वो नगर पालिका कार्यालय में जमा हुआ नहीं। मैंने आईटी सूचना अधिकार जानकारी मांगी, तो तत्पश्चात जो है वहाँ के कर्मचारी जो भी उससे वो रसीद फड़वा दी गई। मैंने सूचना अधिकार जब जानकारी ली और रसीद दी गई, तो मुझे इस तरह की है जिस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये मुझे दी गई। मुझे कुछ शंका हुई। शंका के आधार मैंने यहाँ पे क्या होता है कि जब गवर्नमेंट खाते में जब पैसा जमा होता है तो चालान के माध्यम से पैसा जमा होता है। मैंने चालान की काफियाँ भी दी, तो चालान के अंदर भी पैसा जो नगर पालिका वाले दिया है कि उन्होंने कहा कि 4 महीने से हमारे चालान के अंदर पैसा जमा नहीं हुआ। चालान के बाद फिर मैंने रोकड़ और कैश बुक की मांगी कि हो सकता कहीं मेरे से गलती हो या इनसे हो रही है, तो मैंने रोकड़ कैश बुक की काफ़ी मांगी। तो उसके अंदर भी ये मुझे लिख के दिया 20-30 तारीख को कि रोकड़ और कैश बुक दोनों अलग अलग के रहे भराते हैं। उसके अंदर भी ये राशि आपके जो रसीद बताई है पैसा जमा सरकारी खाते में जमा नहीं हुआ। क्या मानते कितने का घोटाला हुआ? बंदो, ये मैंने दो रसीद मांगी थी, दोनों रसीदें में 5,000-5,000 का गबन निकला है। तो अगर ये मुझे मैंने 1 अप्रैल 2018 से जानकारी मांगी है वो रसीद कट्टों की, तो 30 दिन से ऊपर हो गया अभी तक मुझे जानकारी देने गुमराह कर रहे हैं। और मैंने ये जानकारी मांगी तो मुझे यहाँ के कर्मचारी ने काफ़ी परेशान किया। वर्तमान सीईओ उन्होंने दबाव बनाया कि जानकारी मुझे दी गई है। दूसरा लॉग बुक है, उस लॉग बुक के अंदर की गाड़ी जो है जेटिंग मशीन वो डीजल से चलती है, उसको पेट्रोल खर्चा बताया गया है। बगड़ी यहाँ से 35 किलोमीटर, उसके आगे बगड़ी तक 6 किलोमीटर आगे हो रहे, उस आखिरी के 6 किलोमीटर गैप के अंदर 6 लीटर पेट्रोल अतिरिक्त खर्चा बताया, मतलब 1 लीटर के अंदर 1 किलोमीटर वाहन के चलना बताया। आप सीएमओ से भी मिले, उनसे भी शिकायत की पूरे मामले को लेकर, क्या आश्वासन दिया? नहीं, उन्हें कहा मैं जाँच करवाता हूँ। और उसके बाद ये है कि अगर ये मुझे पूरी जानकारी 1 वर्ष की मैंने मांगी देती, तो धार के अंदर जिस तरह केवल कांड घोटाला उजागर हुआ था पत्र से, उसी तरह 1 करोड़ रुपये घोटाला उजाने का, क्योंकि नगर पालिका में एक विभाग में रसीद कट्टे नहीं कटते हैं, कई जगह कटते हैं। अब इसलिए शंका लग रही, जनता ने जिस तरह पैसा जमा कराया उसका दुरुपयोग हो रहा। अगर ये पैसा सही व्यवस्थित जमा हो तो धार का विकास होगा। इसी बात भी सामने आ रही है, रसीद कट्टे जो हैं वो गुम हो गए। हाँ, सुनने मुझे भी आया, तो इसलिए मुझे जानकारी देनी थी। अगर होते थे मुझे 30 दिन में समय देते, और ये मुझे 2 रसीदी मिली है, मात्र 1 दिन का काम था, है ना। 1 दिन में 2 रसीद दे सकते, पर इन्होंने मुझे 30 दिन लगा, उसके बाद दबाव बना तो मुझे जानकारी मिली है। अच्छा, उचित कार्रवाई नहीं होती आगे का? मैंने सीमो साहब को 409 और इनके 2120 के अंतर्गत FIR दर्ज होना चाहिए कि अमायत खमत वालों को है कि घोटाला हुआ है, FIR दर्ज होना चाहिए। उसके खिलाफ 7 दिन में तो मैं कोर्ट के अंदर जाऊँगा भी सीएमओ के खिलाफ, क्योंकि पूरे सीएमओ को करने का अधिकार है ना, PIC को कुछ भी नहीं है। और जिस तरह सीएमओ ने अभी सुना अंदर आपको कहा कि मैं अन्य रसीद कट्टे देखूँगा, मेरा निवेदन है कि अन्य रसीद कट्टे नहीं, मैंने जो शिकायत करी उसी की FIR दर्ज होगी और होना चाहिए। यही मुद्दा बहुत बड़ा, ये बहुत बड़े सबूत है। समय का नहीं है, मेरे पूर्व का है, और मैं इसका विधि सम्मत जो भी है निर्णय करके जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, जो भी दंडात्मक कार्रवाई होगी या जो भी कार्रवाई एज पर नगर पालिका अधिनियम करना है वो बिल्कुल की जाएगी।
नाम से इश्यू होता है, जारी किया जाता है, और उसका दायित्व है कि वो आज जमा होने वाली राशि को कल बैंक के खाते में अनिवार्य रूप से भरना, चालान के माध्यम से जमा करके जमा कराए। अन्यथा की श्रेणी में वो 24 घंटे में यदि राशि जमा नहीं होती है तो गबन की श्रेणी में आता है। अब ये रसीद कट्टे में हम जांच करेंगे कि ऐसी कितनी रसीदें हैं जिसकी राशि अभी तक निकाय में जमा नहीं हुई है, तो गबन की श्रेणी में आता है, उसमें जो है इस पर नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई करें।